सब सेकंड सेम ईयर सेकेंडरी स्कूल महाराज टूडे आई रिसर्च क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन। तो टूडे आवर टॉपिक लेसन इज द मोशन इन ए प्लेन। तो मोशन इन ए प्लेन में पहला हमारा पॉइंट आ रहा है बात का फोर्स। तो फोर्स हो गया कि फोर्स एज एंड एक्सटर्नल इफर्ट इन द फॉर्म ऑफ द फोर्स ऑफ द प्रोड्यूस आर प्राइस टू द प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी आर रेस्ट आर स्टॉप आर प्राइस टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी आर चेंज आर ट्राइज टू द चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है फोर्स का है। तो फोर्स को जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं उस आर का फोर्स जैसे मान लो ये स्टिक है तो दैट इज देयर द शेप और द इवेंट तो दैट इज देयर शेप इज चेंज बाई इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो हमने इस चीज स्टिक के लेंथ को क्या किया बड़ा कर दिया फिर अगेन देयर द डिक्रीज द शेप हमने इसके शेप छोटा कर दिया। तो देयर द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स। तो अगर हम फोर्स के कॉन्सेप्ट की बात करें तो देयर द गिवन फोर कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स। फर्स्ट फोर्स कैन बी चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी विद द हेल्प ऑफ द फोर्स वी चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड वी apply the force on the object in this case their speed will change that is a body they are come in motion from rest or come into rest from the motion yani koi object agar ruka hua hai hum us pe bal lagate hain to chalna shuru kar dete hain ya koi object agar motion mein hai chal raha hai to hum bal laga karke force ko laga kar sakte hain isse ho sakta hai so that they are the concept of the force change the position चेंज द शेप एंड चेंज द डायरेक्शन एंड चेंज द वेलोसिटी। तो दैट द फोर कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स। ये फोर फोर्स के कॉन्सेप्ट होते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उसका चेंजिंग पोजिशन हो सकता है चेंजिंग डायरेक्शन हो सकता है चेंजिंग वेलोसिटी हो सकता है एंड चेंजिंग द स्टेटस हो सकता है। तो अब इसमें क्या हुआ दैट इज कि ये जो कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे कि इनर्शिया यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा सामने। तो अब इसमें दिया हुआ है कि एरिस्टोटल फॉल्सी कि एरिस्टोटल फॉल्सी क्या था एरिस्टोटल फॉल्सी क्या था एवरी थिंकर एरिस्टोटल 384 बीसी टू 342 बीसी होल्ड द व्यू दैट इफ द बॉडी इज द मूविंग सम एक्सटर्नल फोर्स इज द रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग thus the Aristotle law of the motion is an external force is the required to keep a body in uniform motion। तो Aristotle फॉल्स ने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके मोशन को मेंटेन करने के लिए किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स की नीड होती है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स की नीड होती है और दे आर द मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी दे आर डिफाइंड बाई द Aristotle। लेकिन यह कॉन्सेप्ट के आगे चल करके हमारा फेलियर होता है इसलिए हम कहते हैं एरिस्टोटल फॉर्स। तो इफ वी आर टू इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट एनी द फ्रिक्शन लेस तो उसने कहा कि ऐसा कब होगा व्हेन ए बॉडी दे आर द मूव टू अनदर बॉडी एंड ए फ्रिक्शनल फोर्स अराइज बिटवीन ए जीरो अगर उन दोनों के बीच फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जीरो हो तो जब वो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होगा तो दैट मीन्स दे आर मेंटेन ए यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन तभी मेंटेन हो सकता है इवन एक्सेलरेशन बिकम जीरो जब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एरिस्टोटल फॉल्सी का जो हमारा कॉन्सेप्ट था वह इस कॉन्सेप्ट फॉर नहीं किया तो उसमें फिर उसने नॉट दैट से बॉल ऑफ द होल ऑन द टेबल तो दैट इज वन टाइम द फोर्स इज द रिक्वायर्ड टू द बॉल एंड बॉल इज द कंटिन्यू मूव बट दे आर द इफर्ट ऑफ द फोर्स दे आर द गिवन मोशन ऑफ द अब यह कि कॉन्सेप्ट अब वो कह रहा है कि लगातार चलता रहेगा तो वो लगातार नहीं चलता है क्योंकि जब लगातार अगर चलता रहा तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया जीरो हो गया एंड दैट मीन्स दिस पार्टिकल वी मूव विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आफ्टर दिस इसके बाद आता है गैलीलियो लॉ ऑफ द इनर्शिया यानी हमने बात किया कि फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वह इनर्शिया लॉ ऑफ मोशन न्यूटन की क्लास 9 में डिस्कस किए हैं। तो उसमें जो इनर्शिया का कंडीशन आया है तो इनर्शिया का कंडीशन हम डिफाइन करेंगे तो सबसे
जाता है गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्सिया। इनर्सिया के लिए सबसे पहले तो लॉ दिया था गैलीलियो ने दिया था, उसने कहा था गैलीलियो कि ऑब्जेक्ट मूविंग डाउन इन ए अलोंग इलेवेशन प्लेन नीड टू, अब जैसा कि इसमें फिगर में दिख रहा है कि दैट अगर हम किसी बॉडी को अगर इंक्लाइंड प्लेन को मूव करा रहे हैं, इंक्लाइंड प्लेन पे अगर हम उसको मूव करा रहे हैं तो दैट इज देयर कंटिन्यू कम डाउन एंड इट्स वेलोसिटी भी इंक्रीज, और इसके बाद यह एक प्लेन बना करके। लेकिन दूसरे फिगर पर हम ऐसे को अगर यहाँ पर ड्रा कर मतलब यह पार्टिकल आए तो फिर मूव करते हुए कुछ हाइट तक राइज किया एंड अगेन दे आर द कम डाउन, तो इस तरह से प्रोसेस में अगर देखा जाए तो यह जो फिगर हमारा ड्रा हो रहा है आपके कि पहले आपने मूव किया आया राइज किया, फिर अब यहाँ से डाउन हुआ आया राइज किया एंड आफ्टर सम टाइम दे आर द कमिंग इन द फॉर्म ऑफ द रेस्ट। तो गैलीलियो दे आर द डिफाइन द मोशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कि दैट मीन्स ए बॉडी दे आर द मोशन वी कंटिन्यू द फॉर्म ऑफ मोशन विदाउट इफर्ट ऑफ एनी एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स। तो जो हमारा गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया है, तो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को बेहतर न्यूटन ने डिफाइन किया था। तो उसमें कहते हैं कि इन अदर एक्सपेरिमेंट यूजिंग द डबल इंक्लाइन पे गैलीलियो ऑब्जर्व है, उसने देखा कि जैसे बॉडी को मूव कराया था फिर रिटर्न कराया और इस तरह से वह एक मोशन इंक्रीज हुआ फिर दूसरे साइड से डिक्रीज हुआ एंड आफ्टर सम टाइम दिस बॉडी आउट ऑफ कम इन द फॉर्म ऑफ द रेस्ट। तो इस तरह से इनफैक्ट अगर हम बात करें तो गैलीलियो के कॉन्सेप्ट से ही न्यूटन ने अपने रिजल्ट को डिफाइन किया कि दैट इज दे आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स बाई विच एन ऑब्जेक्ट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट फ्रॉम द मोशन और एन ऑब्जेक्ट कम इन टू मोशन फ्रॉम द रेस्ट। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से है तो रेस्ट में है तो मोशन में आ रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन है तो रेस्ट में आ रहा है एंड दैट इज ए फोर्स बी वर्क ऑन इट, यानी एक फोर्स पे कोई कोई फोर्स पे काम कर रहा है जिसके कारण उसके मूवमेंट में क्या हो रहा है चेंजिंग हो रहा है। तो इस चेंजिंग को न्यूटन ने डिफाइन किया था और उसी को लॉ ऑफ हम लोग कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में थ्री पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसमें पहला टर्म होता है इनर्सिया, दूसरा होता है फोर्स और तीसरा होता है एक्शन एंड रिएक्शन। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इनर्सियल कंडीशन का जो केस, तो अब इनर्सिया का जो कंडीशन है तो पहले हम कंडीशन की बात कर लेते हैं कि पहले जो हमारा कंडीशन था कि व्हाट इज द इनर्सिया। तो इनर्सिया का इनर्सिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दे आर द इंडिकेट एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ द रेस्ट ऑफ इन फॉर्म ऑफ द मोशन। कि जैसे मान लो कि ये डस्टर है, तो ये डस्टर क्या है इन फॉर्म ऑफ रेस्ट। अब यह मोशन में तभी आएगा जब हम इस पर कोई फोर्स लगाएंगे, तो हमने फोर्स लगाया तो मोशन मान ली, अगर हम इसको इंक्लाइन कर दिया तो इसका मोशन क्या होगा फास्ट होगा। तो दैट मीन्स दे आर द गिवन कॉन्सेप्ट बाय द न्यूटन कि एन ऑब्जेक्ट विच टेंडेंसी ऑफ मोशन और रेस्ट डिफाइन द इनर्सिया। कि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या कंटिन्यू मोशन में है तो यह कॉन्सेप्ट हमारा किसका है इनर्सिया का है। और इनर्सिया जो है वो थ्री टाइप होते हैं, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन एंड इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्सिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्सिया ऑफ रेस्ट होता है कि एन ऑब्जेक्ट इज द फॉर्म ऑफ द रेस्ट बी कॉन्टिन्यू इन द फॉर्म ऑफ द रेस्ट। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के फॉर्म में है रुका हुआ है तो हमेशा क्या होगा रुका हुआ है आई लाइक इस मामले बोल रही है तो दिस इज द फॉर्म ऑफ द रेस्ट, क्योंकि यह आज भी एक नई स्थिति में है कल भी एक रहेगा आने वाले समय में भी है एंड दैट इज देयर द पोजिशन बी नॉट चेंज विदाउट हेल्प ऑफ द फोर्स। कि बिना बल लगाए इस बोर्ड के पोजिशन को हम चेंज नहीं कर सकते। एंड अदर ऑब्जेक्ट इनर्सिया ऑफ मोशन क्या, उसने कहा कैन ऑब्जेक्ट बी इन द फॉर्म ऑफ द मोशन बी कंटिन्यू इन द फॉर्म ऑफ द मोशन। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वह लगातार किस में रहेगा मोशन में रहेगा कि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स का इफेक्ट। तीसरा था इनर्सिया डायरेक्शन एंड दैट व्हेन ए फोर्स बी अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट तो ड्यूरिंग द अप्लाइंग द फोर्स द डायरेक्शन ऑफ दिस मूविंग बॉडी भी चेंज। तो जो बॉडी मोशन है उसके डायरेक्शन में चेंजिंग भी हो सकता है, जैसे मान ए क्रिकेट प्लेयर थ्रो बॉल
अनदर बैट्समैन हिट इज बॉल। तो एक गेंद को फेंकता है और दूसरा को क्या करता है, हिट करता है। तो जो ही बैट्समैन हिट करता है तो दैट दे आर अप्लाइड द फोर्स ऑन द बॉल बाय विच दे आर मोशन भी चेंज, जिसके कारण उसका मोशन भी चेंज हुआ और मोशन के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज। तो हम इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा इसमें क्या डायग्राम है कि कैलिलियो का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज द जीरो द बॉडी एट द रेस्ट क्वांटिटी टू बी इन द फॉर्म ऑफ द रेस्ट एंड द बॉडी इज द यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू टू द मूविंग यूनिफॉर्म अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन दिस इज द गैलीलियो लॉ ऑफ द इनर्शिया। तो गैलीलियो ने कहा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा और यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वह यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। लेकिन न्यूटन ने आकर के उसमें थोड़ा सा एक एप्लीकेशन जोड़ा कि इट बी चेंज बाई इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स, यह चेंज हो सकता है। लेकिन यह कब चेंज होगा, जब हम किसी फोर्स को उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास कंडीशन होता है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। तो मोमेंटम तो अगर हम बात करें तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड पी इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यानी हम जिस रेशियो में मास को इंक्रीज करेंगे इन द सेम रेशियो मोमेंटम इंक्रीज आर इन विच रेशियो वी आर इंक्रीज आर डिक्रीज द वेलोसिटी मोमेंटम भी इंक्रीज आर डिक्रीज इन द सेम रेशियो। तो अगर हम इसको अगर करते हैं तो डायरेक्ट या पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम या हो गया पी इक्वल टू एम। तो जैसा कि इसमें डिफिजन दिख रहा है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी भी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी, तो उसके मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आए तो मोमेंटम इज द ए वेक्टर क्वांटिटी, इसने इस पर एरो लगा हुआ है। अब पी अगर कॉन्स्टेंट है उसका वैल्यू न्यूमेरिकल यूनिट लेते हैं तो पी इक्वल टू क्या एम। तो अब इस कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि दैट इज टू ऑब्जेक्ट विच मास इज द एम वन, मास इज द एम वन टू ऑब्जेक्ट मास एम वन एंड एम टू एंड इट्स वेलोसिटी वी वन एंड सपोज अगर हम ये सपोज करते हैं कि मोमेंटम मोमेंटम ऑफ बोथ आर इक्वल एंड दैट मींस वी वन इक्वल। यानी हम ये सपोज करते हैं कि मान लो कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के मास अलग अलग हैं, दोनों के वेलोसिटी क्या है डिफरेंट है, लेकिन अगर दोनों के मोमेंटम इक्वल है तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला पी लिख सकते हैं एम वन वी वन इक्वल एम टू वी आर, इसको लिख सकते हैं हम लोग वी टू बाई वी वन इक्वल एम वन बाई एम। तो इन इसके इसकी नीड क्यों आई, तो अब इसके नीड के लिए हम तीन ग्राफ यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अगर पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि वेन एम इज द कॉन्स्टेंट, अगर मान लो इस प्रोडक्ट में जैसा कि हमारा रिजल्ट था पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो अगर हम मास को कॉन्स्टेंट कर देते मास कांस्टेंट है तो जब मास कांस्टेंट हो गया तो दैट मोमेंटम भी डिपेंड ऑन ओनली ऑन इट्स वेलोसिटी। तो इस केस में जो मोमेंटम होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। तो अब यहां हो गया फर्स्ट केस, अगर मास हमारा कांस्टेंट है तो हमारा जो ग्राफ आएगा दे आर मेकिंग स्ट्रेट लाइन। तो अब यहां पे जो केस होगा ये हमारा होगा वेलोसिटी का, यहाँ पे जो हमारा टर्न होगा वो होगा सिंबल इक्वेंटी का मोमेंटम का, और ये हमारा यम क्या होगा यम इज
कॉन्स्टेंट। तो अगर मास कॉन्स्टेंट होगा तो मोमेंटम और वेलोसिटी भी हमारा ये ग्राफ में डिफाइन होगा। दूसरा क्या होता है कि अगर हम दूसरा टर्म जो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी लिया हुआ है, तो अगर हम वेलोसिटी को कॉन्स्टेंट करते हैं इन दिस केस, तो उस केस में जो ग्राफ होगा वो तो अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्स एक्सिस पे हमारा आ जाएगा मास और वाई एक्सिस पे आ जाएगा मोमेंट। तो जब भी कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट तभी होगा व्हेन दिस लाइन इज स्ट्रेट, तो अब हो गया भी की का कांस्टेंट, भी इज कांस्टेंट, तब भी हमारा मास और मोमेंटम का जो ग्राफ होगा वैसे ग्राफ। लेकिन तीसरा कंडीशन होता है कि टू बॉडी ऑफ अनइक्वल मास m1 एंड m2, यानी अगर मान लो कि दो ऑब्जेक्ट है, तो जैसा मैंने यहाँ पर डिफाइन किया कि p1 इक्वल टू p2 है, इसमें मास भी दोनों ऑब्जेक्ट के अनइक्वल है तो वेलोसिटी भी इक्वल है। तो अगर हम तीसरा जो कंडीशन आते हैं तो तीसरे कंडीशन में अगर हम मोमेंटम इफ मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट, अगर मोमेंटम कॉन्स्टेंट होगा तो इन दिस केस हमारा जो ग्राफ होगा एक्स एक्सिस पे मास होगा, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी होगा, तो इसमें जो ग्राफ हमारा डिफाइन होगा, यानी कुछ देर तक लाइन हमारा एक्स वाई के पैरेलल होगा और फिर कर पाकर के वह एक्स के पैरेलल हो जाएगा, तो इस केस में हो गया Thank you for watching this video, and next video we are discussing the Newton's law of motion. Thank you.